विराट कोहली ने वानखेड़े के मैदान पर वनडे क्रिकेट में अपना 50वां शतक पूरा किया। ये किसी सपने के जैसा है। किसी ने सोचा नहीं था कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी एक दिन टूटेगा और वो भी 49 शतकों का। विराट ने वनडे क्रिकेट में 50वां शतक लगाने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी अपना 80वां शतक पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि विराट कोहली ने अपने इस शतक के साथ ही कई तमाम रिकॉर्ड भी पूरे किए। इसमें विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन एक विश्व कप के एडिशन में बनाए, 700 से ज़्यादा रन विराट बना चुके हैं। इसी शतक के साथ विराट ने कई तमाम रिकॉर्ड भी तोड़े, जैसे सचिन के एक वर्ल्ड कप के एडिशन में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड और भी कई सारे। लेकिन इस शतक के बाद विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर ने अपने गले से लगाया और उन्हें खुद जाकर बधाई दी। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ना यूं तो हर बल्लेबाज का सपना रहा, लेकिन इस सपने को सिर्फ एक खिलाड़ी विराट कोहली ने पूरा किया और इसके बाद उन्होंने जो कहा वो आपको भी जानना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि इस शतक को पूरा करने के साथ ही विराट कोहली ने मैच प्रेजेंटेशन में बात करते हुए क्या कहा। विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 50वां शतक जमाने के बाद कहा, मैंने कोलकाता में ही कहा था, द ग्रेट मैन सचिन तेंदुलकर ने मुझे बस अभी बधाई दी है। ये सभी किसी सपने जैसा लगता है। मैं खुश हूँ कि ये सब सच है। ये मेरे लिए अद्भुत है क्योंकि इस बड़े मैच में मेरे हीरो सचिन तेंदुलकर और मेरी वाइफ अनुष्का यहाँ मौजूद थे। मैं इस फीलिंग को शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। विराट ने जिस तरह से अपने शतक को अंजाम दिया है उसके साथ ही पूरा भारतीय खेमा तो क्या पूरा देश बेहद खुश है। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या आने वाले समय में कोई ऐसा होगा जो विराट के इस शतकों के रिकॉर्ड को भी तोड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ।